वेल, अब तक सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्मों का रिकॉर्ड कहा जाता है कि अक्षय कुमार के नाम पर है। एक टाइम पर उन्होंने बैक टू बैक 14 सुपर फ्लॉप फिल्में दी थी, उसके बावजूद वो इस सीरीज ऑफ फ्लॉप को सरवाइव कर गए और आज बहुत बड़े सुपरस्टार है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये अक्षय कुमार के जो 14 सीरीज ऑफ फ्लॉप्स है, इससे बड़ा एक रिकॉर्ड एक सुपरस्टार ऑलरेडी बना चुके हैं सुपर फ्लॉप्स का, और वो अक्षय से भी बड़े सुपरस्टार है। तो आज कब की और कैसे में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कब उस सुपरस्टार का ये सीरीज ऑफ फ्लॉप का रिकॉर्ड बना, क्यों इतनी फ्लॉप्स होने के बावजूद ये सुपरस्टार आज एक लेजेंड है, और कैसे जिस सुपरस्टार की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक टाइम पर गजब का बिजनेस करती थी, उसकी इतनी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हुई। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए, अपनी जगह बनाई अपनी मेहनत से और जनता के दिलो दिमाग पर छा गए। ऐसा रुतबा हमने गोविंदा का देखा। गोविंदा ने जिस तरीके से बिना किसी बड़े बैनर के साथ काम किए अपना रुतबा बनाया, लोगों में अपनी पहचान बनाई, उनकी फिल्में मासेस देखने आती थी। और ऐसे ही एक सुपरस्टार थे मिथुन चक्रवर्ती। इनिशियली मिथुन चक्रवर्ती को लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, ये इतना काला है, ये कहाँ एक्टिंग करेगा। मिथुन चक्रवर्ती ने सेट्स पर स्पॉट बॉय के तक काम किए हैं, वहां से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। और एक टाइम वो था जब मिथुन चक्रवर्ती साल की 10-10 फिल्में कर रहे थे। 80s की ये बात है जब मिथुन चक्रवर्ती सबसे बिजीएस्ट सुपरस्टार थे, और मिथुन चक्रवर्ती का मार्केट ये था कि फिल्मों में अगर मिथुन चक्रवर्ती है तो एक डांस नंबर होना चाहिए, कुछ एक्शन सीन्स भी होने चाहिए, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती उन चंद एक्टर्स में से एक थे जो डांस अच्छा करते थे, एक्शन अच्छा करते थे, कॉमेडी भी करते थे और सीरियस रोल्स भी करते थे और रोमांस में भी चलते थे। इसीलिए हर तरह के रोल में मिथुन चक्रवर्ती फिट हो जाया करते थे। बॉलीवुड की फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती को लेकर कहीं ना कहीं रोल तो होता ही था। कई बार अपनी फिल्मों की कमर्शियल वैल्यू बढ़ाने के लिए भी प्रोड्यूसर्स तब मिथुन चक्रवर्ती को साइन कर लिया करते थे। ऐसे में मिथुन चक्रवर्ती ने सिंगल हीरो फिल्में भी बहुत की है और मल्टी स्टारर फिल्में भी बहुत की है। लेकिन फिर 90s में एक ऐसा दौर आया जब सलमान, शाहरुख, अक्षय, आमिर, संजय, सनी देओल, ये सारे एक्टर्स, जैकी श्रॉफ टॉप पर चल रहे थे। ऐसे में मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर्स के लिए रोल्स जो है वो अलग आ रहे थे। लीड रोल्स तो आ ही नहीं रहे थे, या तो आप बड़े बुजुर्गों के रोल करो, अंकल, चाचा, मामा, काका के रोल कर लो। और ये वो टाइम भी था जब मिथुन ज्यादातर टाइम अपना साउथ में ही बिताते थे। वो मुंबई सिर्फ काम के लिए आते थे क्योंकि ऊटी में उनका होटल बन रहा था और बहुत सारे बिजनेस के प्लानिंग्स भी चल रहे थे। इसीलिए मिथुन चक्रवर्ती ने तब मुंबई से दूरी बना ली थी। इनफैक्ट अगर किसी को मिथुन को अपनी फिल्म में लेना भी है तो मिथुन अपने फिल्म की शूटिंग भी साउथ में ही किया करते थे। और मिथुन तब इतने बड़े सुपरस्टार थे कि उनके लिए कितने ही प्रोड्यूसर्स कतार में खड़े रहते थे। और तब मिथुन ने एक के बाद एक फिल्में की, अपनी एक अलग ही फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है कि तब मिथुन चक्रवर्ती ने चला दी थी साउथ में। साउथ में फिल्में बनाते थे, इधर मुंबई में बॉलीवुड में रिलीज करते थे, कुछ ये आलम था। और क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती ने होटल का काम छेड़ा हुआ था, इसीलिए उनको पैसों की तब काफ़ी ज़रूरत थी। ऐसे में जो फिल्म मिथुन के पास आती वो फिल्म मिथुन कर लेते। और तब ये 93 से लेकर 98 के बीच में मिथुन ने कई सारी फिल्में की, बैक टू बैक फिल्में की, और इन्हीं फिल्मों में से 33 फिल्में फ्लॉप रही। ये सीरीज ऑफ फ्लॉप थी जो मिथुन चक्रवर्ती ने झेली ये 93 से 98 के बीच में। अगर कोई और एक्टर होता तो शायद इंडस्ट्री से आउट हो जाता। इनफैक्ट आज तो एक्टर्स को एक दो फ्लॉप के बाद ही पब्लिक नहीं बख्शती है। ऐसे में उस टाइम पर सोचिए आप कि मिथुन चक्रवर्ती का स्टारडम किस लेवल का होगा कि उन्होंने एक के बाद एक 33 फ्लॉप की, उसके बावजूद उनके पास 12 फिल्में थी जो उन्होंने साइन की थी। कुछ इस तरह का स्टारडम मिथुन चक्रवर्ती का था जो फ्लॉप होकर भी सुपरस्टार रहे। तो जहां अक्षय कुमार कहते हैं कि उन्होंने सीरीज ऑफ फ्लॉप दी थी, 14 फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हुई, उसके बाद उन्होंने फिर से अपने आप को खड़ा किया है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो अक्षय कुमार से बड़ा स्ट्रगल रहा है मिथुन चक्रवर्ती का, जिन्होंने इतना स्टारडम देखने के बाद 33 सुपर फ्लॉप फिल्में दी और उसके बावजूद 12 नई फिल्में
साइन कर दी। एंड नो डाउट मिथुन चक्रवर्ती आज हमारी इंडस्ट्री के एक लेजेंड है, एक बेहतरीन इंसान है और एक डेडिकेटेड एक्टर है। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।